बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ तलबा इकराम, इस्लामियात सिलसिला नंबर 8 का अगला सबक शुरू होता है। गुज़िश्ता सबक में आपने इस उन्वान के तहत पढ़ लिया था, जो उन्वान है कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म नबूवत। इसके बारे में आपने पढ़ लिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा मर्तबा इंसानों और फरिश्तों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तमाम मखलूक में सबसे अफजल दर्जा हुजूर अलैहिस्सलाम का है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। और अज़ीज़ तलबा, सारे कमालात के साथ साथ हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की इस बात पर भी यकीन रखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जो आखिरी उम्मत की तरफ भेजे गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नया नबी नहीं आएगा। इससे मुतालिक आपने आयत भी पर सुन ली थी, उसका तर्जमा भी सुन लिया था, और अहदीस में जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़त्म नबूवत के बारे में फ़रमाया है उसमें से दो हदीस भी आपने सुन ली थी। अगला इस उन्वान के तहत जो नुक्ता है, जो बात है, वो है झूठे मुद्दईयाने नबूवत। अज़ीज़ तलबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक झूठे मुद्दईयाने नबूवत के झूठे दावेदार आते रहे और आज तक चले आए हैं। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हदीस शरीफ है, अन सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله। हज़रत सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हकीकत यह है कि मेरी उम्मत में से 30 झूठे नबूवत का दावा करने वाले 30 जाहिर होंगे, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो खुदा का नबी है। तो अज़ीज़ तलबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, ये हदीस, ये हर्फ ब हर्फ पूरी हुई, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 2 झूठे नबूवत के दावेदार जाहिर हुए। 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही नबूवत का झूठा दावा किया। एक का नाम था अस्वद अनसी, अस्वद अनसी। ये सारे नाम और ये हदीस शरीफ इंशाअल्लाह जब हम रीडिंग करेंगे सामने आ जाएगी। तो ये अस्वद अनसी जो है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही, हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में ही कत्ल होकर जहन्नम में पहुँच गया, जहन्नम वासिल हो गया। और दूसरा शख्स वो था जिसने नबूवत का झूठा दावा हुजूर के ज़माने में, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में किया, उसका नाम था मुसैलमा, जिसके साथ कज़्ज़ाब यानी बड़ा झूठा लगा के मुसैलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है। तो ये मुसैलमा कज़्ज़ाब था। ये 9 हिजरी में अपने कबीले के साथ वफद में, जिसका कबीला था बनू हनीफा, उसके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया था, मदीना मुनव्वरा आया, लेकिन तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से, अपने आप को बड़ा समझते हुए ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर ना हुआ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम क्योंकि आजिज़ी वाले थे, अखलाक वाले थे, आला अखलाक थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसके पास मिलने गए और साबित बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर अलैहिस्सलाम के हमरा थे, हुजूर के साथ थे। ये 2 हजरात पहुँचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको नबूवत की, इसको दीन की दावत दी, मुसलमान होने की दावत दी। तो इस शख्स ने, मुसैलमा ने, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैअत करने पर, यानी नबी बनने के लिए, मुसलमान होने के लिए, इसने एक शर्त लगा दी कि आप मुझे अपना जानशीन मुकर्रर कर लें,
अपने साथ कर लें, यानी आपके बाद फिर मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा वरना नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर के हाथ में खजूर की छड़ी थी, फरमाया कि अगर तू ये छड़ी भी मांगेगा तो भी मैं तुझे ये नहीं दूंगा, और जानशीनी तो बहुत बड़ी बात है, इस छड़ी की कोई हैसियत नहीं, ये भी मैं तुझे नहीं ना दूँ तेरे मांगने पर, जानशीनी तो बहुत बड़ी बात है। और इसकी तफसील आगे सहाबे किराम से मुतालक जो अकायद आएंगे उसमें इंशाल्लाह और आ जाएगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको मना कर दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम वापस लौट आए। बिलाखिर इस शख्स ने कुछ वक्त के बाद नबुवत का झूठा दावा किया और कुछ लोग इसके गिर जमा भी हो गए और बड़ी ताकतवर इसकी एक जमात बन गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद इसके तरफ लश्कर कशी हुई। हज़रत अबू बकर ने लश्कर भेजा जिसमें बहुत जल्द तो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर लश्कर कशी की और मुसलमानों को कामयाबी हुई। ये शख्स मारा गया और इस मारकों में ही जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ हुई इसमें 21,000 काफिर मारे गए, 21,000 तकरीबन इतनी लड़ाइयाँ हुई। ये आपने अभी जो हमने गुज़िश्ता इस्बाग में तदवीन कुरान का सबक पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ा था जो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया था रदी अल्लाह अन्हु को कि हम कुरान को एक जगह जमा किया जाए, उसमें भी आपने पढ़ा था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत से वफ़ात सहाबा भी शहीद हुए थे, इस वजह से मशवरा दिया था। तो ये वही लड़ाई थी और ये वही मुसैलमा कज़्ज़ाब था, और मुसलमानों की जो शहादत हुई तकरीबन 1,000 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन मुसलमानों को फिर कामयाबी हुई और मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया। अगला जो पॉइंट है, अनवान है, देखें अजीज तलबा, वैसे तो बहुत सारे झूठे नबूवत के दावेदार आए, यहाँ दो का जिक्र किया जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में आए, और एक और का बदबख्त का जिक्र किया जाएगा जिसने जो हमारे दौर में भी जिसके चाहने वाले लोग मौजूद हैं और हमारे भी ज़माने करीब में इसने नबूवत का झूठा दावा किया था, वो आप जानते हैं, उसका नाम है, ये झूठा नबी अपने आप को जो कहता था वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये हिंदुस्तान में कादियान के इलाके का रहने वाला था, इसलिए इसको कादियानी कहा जाता है। अजीज़ तलबा, हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक नबूवत के झूठे दावेदार आते रहे और मुसलमान और अहले हक इनके ख़िलाफ़ महाज पर जिहाद करते रहे और कामयाब भी होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ज़माने पहले यानी 1901 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसने भी नबूवत का झूठा दावा किया। इसका मकसद दरअसल मुसलमानों के इत्तेहाद को कमज़ोर करना था। जो मुसलमानों का इत्तेहाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुआ हुआ था हिंदुस्तान में, उसको कमज़ोर करना था, इसलिए इसने अपने नबूवत का झूठा दावा किया कि कुछ मुसलमान नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद होकर इस्लाम को छोड़कर इसकी तरफ आ जाएं, और इसका मकसद ये मुसलमानों के इत्तेहाद को कमज़ोर करना था, और ये इससे करवाया जो जा रहा था वो अंग्रेज़ करवा रहे थे कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये शख्स भी अंग्रेज़ी हुकूमत का तनख्वाहदार मुलाजिम था, उनके पास तनख्वाह पर मुलाजमत कर रहा था, जैसे वो कहते थे वो इस तरह किए जा रहा था, और उनका बड़ा वफादार बना हुआ था, और अंग्रेज़ों की शय में ही उनके कहने पर ही इसने नबूवत का झूठा दावा किया। इसके गिर्द भी बहुत से लोग जमा हो गए और उलमाए उम्मत ने, उलमाए हक ने इसको मुर्तद व काफिर करार देकर इसके खिलाफ तहरीक शुरू की, इसके खिलाफ तहरीक चलाई, इसके नबूवत झूठे नबूवत के ख़िलाफ़ और इसके दावे के ख़िलाफ़। बिलाखिर 26 मई 1908 को, 1901 में नबूवत का झूठा दावा किया, 26 मई 1908 को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लाहौर में, पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में हैज़े की बीमारी से वासिले जहन्नम हुआ, मर गया और जहन्नम में पहुंच गया। जब ये मर गया तो इसके बाद इन लोगों ने, इसके चाहने वालों ने खिलाफत का सिलसिला शुरू किया, और सबसे पहले जो इसका खलीफा बना इसके मरने के बाद वो हकीम नूरुद्दीन था। हकीम नूरुद्दीन इसके बाद इसका खलीफा बना,
और उसके बाद जब वो खत मर गया तो ग़ुलाम अहमद का अपना बेटा बशीरुद्दीन महमूद खलीफा बना। तो ये खिलाफत का सिलसिला आज भी चला आ रहा है और अभी भी इनके जो बड़े होता है उसको ये खलीफा ही कहा जाता है। अजीज़ सलाबा अब भी ये जमात, मिर्ज़ा की ये जमात मौजूद है और नबूवत के झूठे दावेदार के चाहने वाले, उसकी पैरवी करने वाले काफिर और मुर्तद मौजूद हैं और इसकी जमात आज भी अहमदियत, मिर्ज़ाइत और कादियानियत के नाम से जानी जाती है। अहमदियत, मिर्ज़ाइत और कादियानियत के नाम से जानी जाती है। ग़ुलाम अहमद था तो अहमद से अहमदियत कहा जाता है, या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था तो मिर्ज़ाइत भी कहा जाता है, और कादियान का रहने वाला था इसलिए इसकी जमात को कादियानिया से भी मशहूर किया गया है। इस जमात का मकसद, अजीज़ सलाबा, इन लोगों का मकसद इस्लाम और मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करना है। इनका मकसद यही है कि इस्लाम को कमज़ोर किया जाए, मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को भी कमज़ोर किया जाए, जिसके आईन में इनको काफिर करार दिया गया है, तो उस मुल्क को भी खोखला करना इनकी साजिश का हिस्सा है। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और लोगों को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान में तो इनको काफिर करार दिया गया, लेकिन दूसरे ममालिक में भी जाते हैं तो उधर के जो मुसलमान हैं, जो सादा मुसलमान हैं, उनको अपने आप को मुसलमान उनके सामने जाहिर करते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करना होता है। इनकी सलाहियतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ सर्फ हो रही होती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्फ हो रही होती हैं। अजीज़ सलाबा, इसने जब नबूवत का झूठा दावा किया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने, उस वक्त तक पाकिस्तान तो बना नहीं था, वो जो हिंदुस्तान का इलाका था वहाँ पर इसने नबूवत का दावा किया, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इनकी जमात पाकिस्तान में भी आई और पंजाब का एक इलाका रबवा वहाँ पर ये जमात मुस्तहकम हो गई, मजबूत हो गई और अपने आप को उन्होंने वहाँ पर एक जमात मजबूत बना ली और वहाँ से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी साजिशें इन्होंने तेज़ कर दी और ख़ूब मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये लोग साजिशें करते थे और अब भी कर रहे हैं। अब भी ये दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कुछ अर्से पहले आपने सुना होगा, देखा होगा, एक शख्स मलगून कादियानी, अब्दुशकूर कादियानी के नाम से, जो अमेरिका पहुंचा और ट्रंप जो अमेरिका का सदर है उसके सामने मुसलमानों की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी शिकायतें की और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें की और मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की। लेकिन अजीज़ तलबा, आज भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत का जज्बा दिल में रखते हैं और ख़त्म नबूवत के अकीदे से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान हर मौके पर इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को कोई नुकसान पहुँचाने से इनको रोकते हैं। दर हकीकत अजीज़ तलबा, दर हकीकत हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुनाफिकीन और इस दौर के ये कादियानियों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जो मुनाफिकीन थे वो अपने आप को मुसलमान कहते थे और कहते थे हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, हम इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, लेकिन असल में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करते थे और मदीने की जो रियासत थी, इस्लामी रियासत जो कायम थी, उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, लेकिन कहते अपने आप को मुसलमान थे। तो ये भी वही लोग हैं, ये भी मुनाफिक हैं, इनके दिलों में कुफ्र भरा हुआ है। ज़ाहिर में तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, सादा मुसलमानों के सामने भी आके कहते हैं हम मुसलमान हैं और कहते हैं कि हम नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि क्या आखिरी नबी मानते हो तो वो नहीं मानते। तो वो इस दौर में भी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन अजीज़ सलाबा असल इनका मकसद मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं। अल्लाह ताला इन बदबख्तों को ख़त्म फरमाए और हमारी इन बदबख्तों से, इनके मज़हब से हिफाजत फरमाए और दीन इस्लाम की अपने तरफ से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अजीज़ तलबा, आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं, अब सबक की बुलंदखानी कर लेते हैं। ख़ातमुन्नबीयीन का जो उनवान गुज़रा था
उसकी भी रीडिंग नहीं हुई थी वो भी आज कर लेते हैं, और ये जो दो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसकी भी रीडिंग अभी कर लेते हैं। तो अपनी किताब का आप सफ़ा नंबर 36 यानी 36 नंबर सफ़ा खोल लीजिए। तो अजीज़ तलबा, ये सफ़ा नंबर देख लें 36, उनवान है ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म नबूवत। तमाम अंबिया में सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक हत्ता के तमाम नबियों और फरिश्तों से अफजल हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता और आइंदा बातों का कुछ इल्म अता फरमाया। ये सारी बातें आपके सामने जिक्र हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन को मुकम्मल फरमाया। क़यामत के दिन भी आप अलैहि सलाम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश फरमाएंगे जो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और आप अलैहि सलाम की तअज़ीम और तकरीम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती पर फ़र्ज़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यकीदा रखना भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इन तमाम कमालात के जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए अल्लाह के बंदे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतअल्लिक अकीदा रखना भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहि सलाम भी क़यामत से पहले जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की लाई हुई शरीयत की पैरवी फरमाएंगे। अकीदा ख़त्म नबूवत के एतकाद ईमान का लाजमी जुज़ है। इसकी तस्दीक के बग़ैर, इसको माने बग़ैर इंसान का ईमान मुफीद नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो शख्स ख़त्म नबूवत का इनकार करे वो सिरे से मुसलमान ही नहीं। ख़त्म नबूवत की सराहत कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जा बजा मनकूल है। इरशाद बारी तआला है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबियीन व कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात को नहायत वदाहत से बयान फरमाया है। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन थौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबियीन ला नबिय्या बादी। थौबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबियीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसी बात को हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इस तरह बयान फरमाया जिसका मफहूम यह है, मेरी और मुझसे पहले के अंबिया की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने खूबसूरत घर बनाया लेकिन उसके एक कोने की ईंट छोड़ दी, और लोग उसे घूम घूम कर देखते ताज्जुब करते और कहते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों छोड़ दी गई। तो मैं वही ईंट हूँ और खातमुन नबियीन हूँ। इसकी वजाहत आपके सामने आ चुकी है। कुरान करीम और अहादीस नबविया से ये बात साबित हो चुकी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जो इस बात को ना माने वो मुर्तद है, काफ़ी यानी अपने आप को मुसलमान बतलाए और साथ ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी और शख्स को भी नबी माने तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा थी इस तरह, झूठे मुतअय्यान नबूवत। नबूवत के झूठे दावेदार और इनके मानने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक चले आ रहे हैं। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन थौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी
ثلاثون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہر بہر پوری ہوئی اور حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں دو آدمیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک کا نام اسود عناسی تھا جو حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی قتل ہو کر جہنم واصل ہوا، دوسرے شخص کا نام مسیلمہ تھا جو 9 ہجری میں اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا مگر تکبر کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو لے کر خود اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے بیعت کو مشروط کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جانشین مقرر و متعین فرما دیں تو میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ اس شخص نے کچھ عرصے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ اس کی ایک بہت طاقتور جماعت بن گئی۔ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمایا لیکن ابتدا میں کامیابی نہیں ہوئی، بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور وہ اس لڑائی میں مارا گیا۔ ان معارکوں میں 21,000 کافر مرتد جہنم واصل ہوئے اور تقریباً 1,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عزیز طلبا یہاں ہم ریڈنگ بھی روکتے ہیں، اگلا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلاف جو تحریک ختم نبوت چلی وہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی اس کی ریڈنگ بھی ہو جائے گی۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔